तो ये क्वेश्चन देख के काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा आप सोचिए तो कहीं से आपको क्लू मिलना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करें हम, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं इसका। तो हम लोग देखते हैं ये जो टेन एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या आता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास तो कॉस है, लेकिन वन अपॉन कॉस है। सेक तो हो सकता है लेकिन स्क्वायर तो है नहीं। तो क्या किया जाए, हम लोग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कॉस एक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वन बाई कॉस स्क्वायर है ये तो सेक स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए टेन हो गया, टेन ऊपर भी है। तो इसका हिसाब किताब करेंगे थोड़ा सा तो क्या नजर आएगा, टेन एक्स की पावर 1/2 और नीचे हो गया टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको थोड़ा थोड़ा अपियर होने लगा होगा, है ना, कि टेन एक्स हर जगह टेन एक्स का उसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ भी आप देख लीजिए पावर वन है, जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस हाफ आ जाएगा, 1/2 माइनस वन माइनस हाफ हो जाएगा, ये हटा देते हैं। तो अब देखिए कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म आपकी आ गई एफ एक्स है ना, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है, और एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स क्या होता था, ठीक है। या तो यहाँ से दो रास्ते ले सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, या दूसरा काम है आप इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आगे प्रोसीड करिए, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर दे रहे हैं, एफ एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, है ना। तो होता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो गया माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है। तो ये हाफ आ जाएगा माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है, तो हाफ आ जाएगा तो ये हटा देते हैं हम, यहाँ भी हाफ आ जाएगा तो वो हाफ का टू पलट के ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।